प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर, आपको बता दें कि अंबाला निकाय चुनाव में भाजपा को मिली हार पर किसानों ने जश्न मनाया है और शंभू टोल प्लाजा पर किसानों ने लड्डू बांट कर ये खुशियां मनाई है। आपको बता दें कि शंभू टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे किसानों ने भाजपा की हार का जश्न मनाया है और लड्डू बांट कर इन किसानों ने अपनी खुशियों का इजहार किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अंबाला में बीजेपी के हाथ सिर्फ 8 पार्षद सीटें लगी, जबकि मेयर पद पर हरियाणा जनचेतना पार्टी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा काबिज हुई हैं। तो वहीं किसानों ने इस भाजपा की हार पर नाच गाकर खुशी का इजहार किया है और इसके साथ ही इन किसानों ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि कृषि कानूनों के विरोध का भाजपा को सामना करना पड़ा है और आने वाले चुनाव में भी भाजपा को हर जगह ऐसे ही हार मिलने वाली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बार फिर से आपको बता दें कि अंबाला निकाय चुनाव में भाजपा को मिली हार पर किसानों ने जश्न मनाया है और शंभू टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे किसानों ने लड्डू बांटकर भाजपा की इस हार का जश्न मनाया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अंबाला में बीजेपी के हाथ सिर्फ 8 पार्षद सीटें लगी है, जबकि मेयर के पद पर हरियाणा जनचेतना पार्टी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने जीत हासिल की है और उनकी जीत पर किसानों ने नाच गाकर खुशी का इजहार किया है और भाजपा की हार पर लड्डू बांटकर किसानों ने खुशियां मनाई है। धरने पर बैठे इन किसानों ने भाजपा की हार पर निशाना साधा है और उनका कहना है कि कृषि कानूनों के विरोध का सामना भाजपा को करना पड़ा है और इसके साथ ही किसानों का ये भी कहना है कि आने वाले चुनाव में भाजपा को हर जगह इसी तरह हार मिलने वाली है। आज लड्डू बांट रहे हैं, क्या कारण है लड्डू का? आज दिल्ली में मैं 23 तारीख से 1.25 महीने के बाद आज अम्बाला में लौटा हूँ और अम्बाला में आज बीजेपी को हराया है अम्बाला के लोगों ने। अम्बाला के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बीजेपी को यहाँ पे हराया और पूरे हरियाणा में ही हरा दिया, एक पंचकूला को छोड़ के। तो सभी जगह सभी किसानों का और भाइयों का, जिन्होंने शहरी वालों का, जिन्होंने भी इनको हराया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी अब लड्डू बांट रहे हैं यहाँ लोग किसान और खुशी मना रहे हैं। आज हमें बहुत खुशी हुई है, जो हमारे मजदूर व्यापारी वर्ग ने जो हमारा साथ दिया किसानों का। हमने अम्बाले के अंदर पर्चे बांट के अपना साथ मांगा था, अभी हम जो भी कैंडिडेट जीतने वाला है उसको जिताएं और बीजेपी को हराएं। आज अम्बाले के अंदर बीजेपी की बहुत बुरी हार हुई है और मैं कहूँगा दो पार्टियों का गठबंधन होने के बावजूद भी इतनी बुरी हार हुई है, इनको शर्म माननी चाहिए, शर्म के डूब कर मर जाना चाहिए। पूरे हरियाणा के अंदर की हार हुई है, एक अम्बाले अम्बाले में नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर बहुत बुरी हार हुई है। बीजेपी वालों के ऊपर अगर थोड़ा बहुत इनमें नैतिकता है या थोड़ा बहुत इनके में कोई शर्म है वो रखने के लिए, जो किसानों का आंदोलन है वो काले कानून, जैसे आज हमारी दिल्ली के अंदर मीटिंग चल रही है हमारे प्रधानों के साथ, वो काले कानून वापस ले लेने चाहिए। अगर वापस ना लिए इनका और बुरा हाल होगा।